हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है उसको शुरू करने वाले हैं। तो इस सीरीज का दोस्तों पहला जो वीडियो है वो है रेखाओं के परिचय के ऊपर। ओके, इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसमें दोस्तों आज का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रेखाओं का परिचय। ओके, इसमें देखिए दोस्तों तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेनली दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दोनों ही मैं दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाला हूँ। ओके, तो बनिए दोस्तों हमारे साथ। मेरा नाम सुरज आर्या और आप देखिए दोस्त डिप्लोमा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 65 मिमी मतलब एमएम लंबी सरल रेखा। ओके दोस्त, यहाँ पे कितनी लंबाई है? हमारी एक रेखा है जो कि ए बी है, उसका जिस लंबाई कितना है? 65 mm है। ओके, यहाँ पे बोला है ए बी का सिरा ए क्षैतिज तल एच पी तथा ऊर्ध्वाधर बी पी दोनों में है। ओके, यहाँ पे दोस्त एक रेखा है जो कि हम दोस्तों क्यों क्या बोलेंगे उसको ए बी बोलेंगे। उसकी लंबाई हम दोस्तों हमारा कितना है? 65 mm है। उसका जो ए सिरा है वो एच पी में भी है और बी पी में भी है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन देखते हैं तो लिखा हुआ है यह रेखा ए बी क्षैतिज तल एच पी से 45 अंश। ओके दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना है एच पी से कह रहा है, ओके मे नहीं कह रहा। यहाँ पे से और मे में बहुत अंतर है, ठीक है। एच पी से 45 अंश तथा ऊर्ध्वाधर तल बी पी से कितना? 30 अंश पर अवनत है, इसके प्रक्षेप खींचो। ओके दोस्त, ऐसे बोला गया हमें प्रक्षेप खींचना है। अब देखिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले जो पहला कंडीशन उसको पकड़ना है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है? एक रेखा जिसकी हमारी लंबाई कितनी दोस्तों? 65 mm है, ठीक है। दूसरे कंडीशन दोस्तों क्या बोला है कि इसका एक ए सिरा है जो ए सिरा दोस्तों एच पी में ही और बी पी में भी है। जब दोस्तों आप शुरू करेंगे इसको बनाना, सबसे पहले क्या करना है आपको? एक लाइन लेनी है। देखिए लाइन कौन सी लेना है? जो यक्स और वाई लाइन लेना है, एक सीधी लाइन लेना है, एम डी से लेना है, ठीक है। एम डी में हमें सीधी लाइन ले लेनी है एक पूरे चार्ट पे, जिसको हम बोलेंगे यक्स और वाई, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है आपको? यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर मानना पड़ेगा। जैसे ये चीज़ दोस्तों ये थ्योरी लिखा हुआ है, ये तो थ्योरी नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। या तो नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर जैसे समझाने के लिए इसमें लिखा हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में बनाने के लिए मानना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट बनाने के लिए मानने का मतलब क्या हुआ कि एच पी अपन बी पी लिखना पड़ेगा। ओके, इस रेखा में दोस्तों ऊपर हमें एच पी लिखना पड़ेगा, नीचे हमें बी पी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एच पी का मतलब ऊपर वाला जो प्लेन दोस्तों वो एच पी में है, नीचे वाला जो प्लेन है वो हमारा बी पी में है, ठीक है। अब क्या बोला है इन्होंने कि ए रेखा हमारा एच पी और बी पी दोनों में है, ए बिंदु जो है। तो दोस्तों हम ए बिंदु ले लेते हैं, एच पी और बी पी में दोनों में होने का मतलब कि इसी लाइन पर है, ठीक है, इसी लाइन पर है। अब देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट है वो एच पी में भी है और बी पी में भी है, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे? ए सिरा मानेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो एच पी में हम लिखेंगे, एच पी दोस्तों हम उस साइड जो लिखेंगे मतलब इस साइड जो दोस्तों हम लिखेंगे उसमें हम कोई डैश वैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जो नीचे लिखेंगे उसमें हम डैश लगाएंगे। हम दोस्तों ऊपर को ऊपर वाले बिंदु को जो एच पी में है उसको हम ए बोलेंगे, जो बी पी में दोस्तों ए डैश बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब सेकेंड कंडीशन दोस्तों क्या बोला है? यह रेखा ए बी क्षैतिज तल एच पी से दोस्तों 45 अंश और बी पी से 30 अंश औनत है, से बोला है ना कि मे बोला है। अगर दोस्तों यहाँ पे बोला होता है एच पी में तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस रेखा को जो 45 अंश झुका हुआ है तो ये जो हमारा 30 अंश झुका है दोस्तों हमने इसको 45 अंश झुकाना पड़ता है, मतलब मे एच पी में। एच पी दोस्तों हमारा किधर है? एच पी हमारा ये वाला प्लेन है, इसमें झुका होता है। लेकिन बोला एच पी से, तो एच पी से दोस्तों कितना 45 अंश, एच पी जो हमारा रेखा गया है इस पर गया हुआ है, तो यहीं से हम कितना दोस्तों झुका देंगे? 45 अंश झुका देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से दोस्तों 45 अंश झुकाएंगे। अब हमें झुकाने के बाद दोस्तों कितनी लंबाई लेनी? 65 mm लेना है। 65 mm दोस्तों हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों जो हमारा ड्राइंग है पूरा छोटा करके बनाया गया है। अगर हम दोस्तों ड्राइंग शीट बनाएंगे तो 65 mm कहाँ आएगा दोस्तों? यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आपको आराम से बनाना है। 65 mm दोस्तों हमें यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है। अब ये वाली लाइन हम मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। ये वाली लाइन हमने बना लिया है, तीसरा वाली लाइन को क्या करेंगे दोस्त? ऐसे मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद दोस्तों इस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, हल्की लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए। सेम दोस्तों हम क्या करते हैं, जो एच पी में झुका हुआ दोस्तों कितना है? 30 अंश झुका हुआ है, बी पी से 30 अंश झुका हुआ, ठीक है। तो बी पी से हम जब दोस्तों झुकाएंगे, बी पी से इस साइड झुकाएंगे दोस्तों, तो 30 अंश झुकाने के बाद यहाँ पे हम 65 mm लंबाई ले लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को दोस्तों हम बोल देंगे बी वन पॉइंट, और इस पॉइंट को दोस्तों बोलेंगे बी टू। लेकिन टू के साथ दोस्तों क्या बोला था हमने, इस वाले जब बनाएंगे तो हम उसको डैश बनाएंगे। अब जब दोस्तों आपको यहाँ पे बी वन पॉइंट मिल गया और बी टू पॉइंट मिल गया, ठीक है, इसमें डैश में लगाएंगे। हमने बोला था जब बी पी प्लान बनाएंगे तो प्लान बनाएंगे तो हमें डैश लिखेंगे, ठीक है। तो ये बी टू डैश हो गया। हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे लिया था वैसे इस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है। अभी ये आपको आपके पास कौन कौन सी रेखा है? सिर्फ ये वाली रेखा है और सिर्फ ये वाली रेखा है। ओके, अब देखिए क्या करना है, हमें इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले जाना है इस वाले एक्स वाई पॉइंट, एक्स वाई लाइन पे, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब बी टू डैश वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन ले जाना है एक्स और वाई वाले लाइन पे। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट को हम डायरेक्टली सीधा उठा के ले जाएं इस पॉइंट पर रखें।
तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे बी टू, तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया दोस्तों, इसको हम बोलेंगे बी टू। ये दोस्तों हमारा टू है तो यहाँ पे टू लिख देंगे, ठीक है। सेम दोस्तों हम इस वाले पॉइंट का लेके आएंगे प्रोजेक्शन यहाँ पे, जब इस वाले पॉइंट का यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके आएंगे तो मतलब बी पी में लेके आए, ठीक। तो यहाँ पे बी पी में लेके आए तो हम डैश लिखे आए, डैश लिखेंगे तो बी वन लिखेंगे, यहाँ पे वन था यहाँ पे वन होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ से प्रोजेक्शन लेके आया यहाँ पे, अब क्या करेंगे, गोला प्रकार होता दोस्त तो उस गोला प्रकार से चाप लगाएंगे, ठीक है। उसमें दोस्तों यहाँ पे जो लोहे का सिरा होता है उसको यहाँ पे रखेंगे, जो पेन का सिरा होता है दोस्तों यहाँ पे रखेंगे। सेम इसको इस प्रकार से घुमाएंगे दोस्त, तो हमारा ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी उसको यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। सेम दोस्तों हम यहाँ पे लोहे का सिरा रखेंगे और यहाँ पे दोस्तों पेन का सिरा रखेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ यहाँ पे आके कट हो जाएगा। जब यहाँ पे आके कट हुआ तो इसका मतलब देखिए, ये बी पी में बना हुआ दोस्त, बी पी हम आप जानते हैं क्या बनता है, बी पी में एलिवेशन बनता है, एलिवेशन बनता है या तो फ्रंट व्यू बनता है, ठीक है। और दोस्तों जो एच पी में बनेगा हमारा यहाँ पे उसको बोलेंगे क्या, प्लान बोलते हैं एच पी में, क्योंकि हम एच पी में ऊपर से देखते हैं, ठीक है। हम दोस्तों इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक ठीक तरीके से इसको मिला देंगे, थोड़ा सा इसको डार्क भी कर देंगे क्योंकि इसको हमें हाईलाइट करना होता है, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये हाईलाइट हो गया, ये हमारा प्लान हो गया, ये हमारा एलिवेशन हो गया। तो जब मिला देंगे दोस्तों, मिलाने के बाद आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम दोस्तों देखेंगे कि ये एक ही सीध पे आ रहे हैं कि नहीं। अगर दोस्तों एक सीध पे आ रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन है वो पूरा पूरा एकदम सही है। अगर दोस्तों नहीं आ रहा तो इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कुछ गलती की है, ठीक है।